नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। रीवा जिले में शासन और प्रशासन की अनदेखी से निर्मित अराजक व्यवस्था की किसान भेंट चढ़ रहे हैं, जो कि कई दिनों से कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। खरीदी केंद्रों में खरीदी तिथि खत्म हो रही है, जिससे किसान बेहद चिंतित है। समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार भले ही खुद को किसान हितैषी बताती है, किसानों की कमर तोड़ने के लिए ज्यादातर जगहों पर समिति प्रबंधकों को मनमानी की छूट दे रखी है। वहीं नई गली के देवरी खरीदी केंद्र और खर्रा सर्किल में किसानों का कहना है कि प्रबंधक की मनमानी चरम पर है। वहां खाद के नाम पर उनसे मनमानी फर्जी वसूली हो रही है, तो वहीं 5 दिनों से खरीदी भी बंद पड़ी हुई है, जिसकी वजह से किसान किराए के वाहन को लेकर आए उनका 5 से 6 हजार रुपए का किराया भी लग रहा है। और इन परिस्थितियों में खरीदी का समय खत्म होने से किसान मर रहा है। अब उसे आत्महत्या के लिए विवश किया जा रहा है, जबकि प्रशासन के जिम्मेदार मौन है। आखिर किसानों की दुर्दशा पर जवाब कौन देगा? कौन सुनेगा किसानों की पीड़ा, जहां पर इस कड़ाके की ठंड में कहीं भी छाया और अलाव की व्यवस्था नहीं है। किसान इस प्रकार की अव्यवस्था के बीच आवश्यकता के हिसाब से तौल की व्यवस्था नहीं होने से खरीदी केंद्रों में कई दिन नाप तौल के लिए अपनी बारी के इंतजार में खड़े रह जाते हैं। और किसी भी प्रकार से बारी आ भी गई तो 5 रुपए बोरी के हिसाब से उसकी तौल की कीमत भी वसूली जा रही है। वहीं अगर भ्रष्टाचार की बात करें तो इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है कि कोट कटरा केंद्र क्रमांक 2 की खरीदी घूमा ओपन कैंप के ठीक बगल में हो रही है, और वहां से धान का उठाव कर क्योटी वेयर हाउस में जमा होने के लिए जा रही है। जबकि सुहागी चाक घाट तराई अंचल की धान उठाकर घूमा ओपन कैंप में जमा होने आ रही है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर कितना बड़ा खेल चल रहा है, और यह किसी से छुपा भी नहीं है। तो वहीं इस समय हो रही बारिश में किसान के खून पसीने से उगाया गया अनाज खुले में भीग कर बर्बाद भी हो गया है। जिले में भाजपा के सांसद और सभी विधानसभा में भाजपा के ही विधायक हैं, जो कि इन किसान मजदूरों के दम पर सरकार में हैं, जिनके राज में जानबूझकर किसानों को अपनी भ्रष्ट और अराजक व्यवस्था का शिकार बनाया जा रहा है। भाई अपन 4 दिन से जो रोके हैं तो वो तो खत्म हो रहा है, पानी ब्रेड खत्म लाए आदमी कहां चला जाए। आगे तक के लकड़ी ये नई गढ़ी तहसील के खर्रा सर्किल और ये धान खरीदी केंद्र, जहां पे आज 5 दिन से तौल बंद है। किसान खुले ठंड में पड़े हैं। इनका कहना है कि आज हम सबका डेट खत्म हो रहा है। आप कितने दिन से यहां हैं? 5 दिन हो गए। क्या नाम है आप? इंद्रलाल कुशवाहा। अपना? विधायक चतुर्वेदी। भैया आप? राजेश तिवारी। आज कितने दिन से आप सब पड़े हैं? 5 दिन से लगातार। 5 दिन से चाली खड़ी। ये सभी 5 दिन से पड़े हुए हैं, और आज कितने लोगों का आज डेट खत्म हो रहा है खरीदी का? कल ही खत्म कर दिए हैं आज। सर हमारा ताज भी खत्म हो रहा है। और इन सब का जो खरीदी डेट है मैसेज के अनुसार वो ख़त्म होने वाला है, और अगर ये धान अपनी घर लेके जाते हैं तो इनकी धान खरीदी नहीं होगी। कुछ लोगों की आधी तौल गई है, आधी पड़ी हुई है। आधी चढ़ाई दी नहीं, वो डेट एक दर की चढ़ाई दी तो कैंसिल होगा। मना किन तरह के ना चढ़ावा जाए तो वो चढ़ा दी, जबरदस्ती कहने में चढ़ावाई करब। जहाँ शिकायत करे को कह दे नहीं दे रही लगा, यह तक यहाँ कह रहे हैं डेट खत्म हो गया। 70 क्विंटल का हमारा डेट खत्म कहाँ लगी? धान ट्रैक्टर खड़ा है 5 दिन से यहाँ कहन के प्रांगण में खड़ा है, तब लाए ले चढ़ाए, हमारा डेट खत्म हो रहा है। बात यह है कि चार रसीद हमारे लगे हैं, कर्ज माफी के प्रमाण। आप द्विवेदी जी कितने एकड़ के किसान हैं? सर समय हमारे पास 1.5 एकड़ के नाम है। तो 1.5 एकड़ के किसान को कितनी धान कितनी खाद सोसाइटी से स्वीकृत की जाती है? अधिकतम 2 बोरी। ये जैसा कि सभी किसान बता रहे हैं कि 1.5 एकड़ के किसान को 2 से 3 बोरी किसान दी जा खाद दी जा सकती है। जब ये 32,000 कर्ज की खाद लेने के लिए योग्य नहीं है, फिर इनको 32,000 की खाद कैसी दे गई? एक दानवी प्रश्न। 4 बोरी DAP, 2 बोरी यूरिया, और इनका 32,907 रुपए कर्ज बनाया गया है। ऐसे किसान आत्महत्या न करें तो करें क्या? सिर्फ एक ही सीजन लिए हैं, एक ही सीजन का 32,000 दे रहे हैं। कहां से, कौन सी सोसाइटी से आपने लिया था खाद? खर्रा से। और आप के पास कोई रसीद 6 बोरी का?
कुछ नहीं देते हैं। ये सब बोरा पेपर में लिखते हैं, कोरे पेपर में लिखते हैं और कोरे चेक पे साइन करवा लेते हैं, बोलते हैं जाइए आपका काम हो जाएगा। वर्तमान परिवेश में खरीदी केंद्रों में जो बदहाल व्यवस्था है और जिस तरह से किसान हफ्तों से पड़े हैं, तड़प रहे हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, चार से पाँच पाँच दिन, छः छः दिन वो पड़े हैं, उनकी किसी की तौल नहीं हो रही, तो किसी को सत्यापन के नाम पे तंग किया जा रहा है, किसी का आधार लिंक के नाम पे, किसी, जबकि ये व्यवस्थाएं और ये चीज़ें पहले इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते और लोगों को बता दिया जाता है और लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर होते तो ये आज दिक्कत नहीं आती। इसका सीधा मकसद समझ में आता है कि केवल एक उद्देश्य है कि इतना किसानों को परेशान कर दो कि मजबूर होकर वो अपने धान लेके घर चले जाएं और बिचौलियों के हाथों औने पौने दाम बेच दें। कई किसानों के 15-15 दिन से 20-20 दिन से धान जो बिकी है उसके वेयर हाउस से उनकी रजिस्टर्ड नहीं हुई और खरीदी केंद्रों की जो स्थित है वहाँ धान को पंखे से साफ कराया जा रहा है, वहाँ धान को पानी में भी चेक किया जा रहा है, उसके बाद वेयर हाउस से धान कैसे रिजेक्ट होती है ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका सीधा मतलब है कि बीच में बड़ा खेल हो रहा है, व्यापारियों की गंदी और रद्दी धान या तो बदली जा रही है, ऐसा कुछ हो रहा है जिस कारण से किसानों की धान वेयर हाउस में जाकर रिजेक्ट हो रही है। वेयर हाउस पे शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए और जो ट्रांसपोर्टेशन में गाड़ियां लगी हैं उनमें जीपीएस लगवाना चाहिए और उनके हाल्ट के चिन्हित स्थान होने चाहिए, जबकि बहुत ही से अगर चलते हैं तो उनको मऊगंज जाने में कहीं नहीं रुकना चाहिए, भीड़ से चलते हैं, खटखर और खर्रा से चलते हैं कि जहां से गाड़ी चले तो बीच में गाड़ी ब्रेक नहीं होनी चाहिए और उसका टाइमिंग लिमिट होना चाहिए। मेरी जिला प्रशासन से मांग है कि किसानों के साथ हो रहे अन्याय पे उनका साथ दें और अगर प्रशासन नहीं चेतता, सरकारी तंत्र नहीं चेतता तो हम अगस्त क्रांति के लोग किसानों के साथ हर क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए तैयार हैं। किसान लाचार नहीं है, सबके लिए अन्न पैदा करने वाले अन्नदाता, कमजोर नहीं है, बस थोड़ा शांत और चुप है, प्रशासन चेत जाए, ये हमारी चेतावनी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया खुल गया खुल गया, आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।